15 दिन में एक दिन सैटरडे को सब भक्त दर्शन करने आते हैं और सब बड़े खुशी से घर जाते हैं। तो सब आज बड़ा भक्त बहुत खुश हैं, सब बड़े निहाल होके जा रहे हैं और आज कई चैनल इंटरव्यू लेने आए थे, सब खुश होके गए। तो जिस तरह से भी दिवाली का मौका दिया गया है तो भक्तों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, राधे माँ की तरफ से क्या संदेश होगा और किस तरह की विशेषता है दिवाली को? हाँ, मैंने खुद भी और अपने भक्तों को भी यही संदेश दिया कि सब दिवाली सादगी से मनाओ और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको हेल्प करो। और दूसरा, ये दीपावली जो है इस दिन हमारे भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या वापस आए, सबने दीप जलाए, सब अपने अपने घरों में दीप जलाओ और खुशियां मनाओ कि भगवान रामचंद्र वन में गए तो भगवान बन गए। और भगवान चंद्र से हमें ये सीखना है कि भगवान रामचंद्र ने अपनी माँ की बात मान के 14 वर्ष का वनवास काट लिया। तो सबसे पहली बात हमें ये सीखनी है कि हमें सबसे पहले हमारे भगवान है माँ बाप, हमें माँ बाप की बात माननी है, माँ बाप की सेवा सर्वोसर्वा है। तो दीपावली के बाद से गुरु मां नया वर्ष शुरू होता है और नया वर्ष इस बार क्लियर करना चाहती हूँ, मैं गुरु माँ नहीं हूँ, मैं ओनली राधे माँ हूँ। आई एम नॉट गुरु, नॉट साधु, नॉट संत, आई एम ओनली राधे माँ। अपने बच्चों को सीधी राह दिखाने वाली कि अपने मम्मा पापा की सेवा करो, मम्मा पापा की आज्ञा का पालन करो। अगर अपनी मम्मा नहीं खुश तो मंदिर वाली माँ कैसे खुश हो सकती है? जी गुरु, राधे माँ क्षमा कीजिएगा, मैं राधे माँ कह दिया, अब राधे माँ कह रहा हूँ आपको, गुरु माँ कह दिया था, क्षमा करना, मैं राधे माँ कह रहा हूँ। 9 वर्ष दीपावली के बाद से शुरू होता है, हिंदू धर्म के हिसाब से नया वर्ष शुरू होता है। और पिछला वर्ष की अगर बात करें तो बड़ा ही कुछ इस तरीके से था, कैसे बयां करेंगे पिछले वर्ष को, जो गया दुखदायी वर्ष था, कैसे एक्सप्लेन करेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका हाईकोर्ट भी आपको बरी कर दिया है बाकी सब चीजों में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताकि हृदय आप। खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। जो ईश्वर है ना वो सच्चाई को जानता है और ईश्वर है। लोग कहते हैं ना कहाँ है ईश्वर, हम कितना भी पाप कर ले तो कुछ नहीं हो सकता, पर जीत सच्चाई की होती है। ईश्वर के दो प्रतीक हैं, सुबह सूर्य उठता है, उगता है, तो पहला प्रमाण ये है कि भगवान है, रात को चंद्रमा उगता है। दूसरा प्रमाण ये है कि ईश्वर उगता, ईश्वर है। तो इसलिए कानून हमें कानून पे और ईश्वर पे छोड़ना चाहिए तो हम जंग जीत जाएंगे। मैं जीत गई भगवान की कृपा से, क्योंकि मैं सच्ची थी, मैं जीत गई। कानून व्यवस्था पे आपको भरोसा है? जी, मुझे कानून पे, ईश्वर पे, पुलिस पे पूरा भरोसा है। आपके आजू बाजू में जाना चाहेंगे, इंट्रोड्यूस कराए कि कौन खड़े हुए हैं? ये मेरा बेटा है जो मीडिया ने बदनाम कर दिया कि राधे माँ लड़कों की गोदी में चढ़ती। ये मेरा सपुत्र है जिसने मेरे पेट से जन्म लिया है, ये भी मेरा बेटा है जिसने मेरे पेट से जन्म लिया, ये मेरे दो सपुत्र है। मतलब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह ये जो कंट्रोवर्सी उठी थी के बाद फिर से ये चर्चा में आ रहे हैं, जिस तरह आज आपको इंट्रोड्यूस कराया गया, तो उस समय आपका रिएक्शन क्या था, आपको कैसा लगता था? जब आप बिना कुछ सोचे समझे आप कुछ भी छाप देंगे, माँ बेटे की रिश्ते को बदनाम करेंगे, तो आपको उनसे आपको कैसा लगेगा? कल को आपकी माँ की और आपकी फोटो को लगा के किसी गलत वे में प्रेजेंट किया जाए तो आपके दिल पे क्या बीतेगी वो आप बताइए। उस चीज का जवाब आप मुझसे ना पूछिए, आप खुद से पूछिए।
और मैं ये भी कहना चाहती हूँ जो दूसरों को डिप्रेशन देते हैं कुदरत उनको छोड़ती नहीं। जी जी राधे मां चलते चलते एक आखिरी सवाल, राम जी की बात की अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में भी मुख्यमंत्री जी भी गए थे, तो राधे मां भी वहाँ जाएंगी दर्शन करने, वहाँ के बारे में सोचेंगे राधे मां अयोध्या के बारे में? हाँ मैं जरूर जाऊंगी, अपने भक्तों के साथ जाऊंगी, अयोध्या जाऊंगी मैं जरूर, मथा टेकने जाऊंगी, शीश झुकाने जाऊंगी। राधे मां चलते चलते आखिरी सवाल, एक सवाल है आपसे। जी जी राधे मां एक आखिरी सवाल चलते चलते, ट्रस्ट है जो आपका बहुत काम भी करता है उसके बारे में थोड़ी सी बताएं, जो लोगों को नहीं पता है ट्रस्ट के बारे में, जो आपका अच्छा काम करता है वो लोगों तक नहीं बताया जाता, नहीं पहुंचाया जाता है। जी मैं पहले बिहाइंड द कर्टन थी, अब मीडिया ने इतना टॉर्चर किया अब मुझे फोर फ्रंट आना पड़ा, मुझे बिहाइंड द कर्टन रहना अच्छा लगता है पर अब मैं फोर फ्रंट हूँ। ये मेरे मम्मी पापा है, MM मिठाई वाला मेरे पापा है और ये उनकी वाइफ है मेरी मम्मी है, हम सारा मिलके परिवार हम ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। अब हम पहले हम बिहाइंड द कर्टन थे, अब हम फोर फ्रंट कर रहे हैं, अब हम जगह जगह जाके जो नीडी जो मेरे जैसे लोग हैं उनकी हम सेवा कर रहे हैं।